जनचेतना रैली में क्यों उमड़ी पड़ी भीड़, विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर अर्जुनपुर गांव सभा में आयोजित जनचेतना रैली में बिहार से उड़कर आए मंत्री मुकेश साहनी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित। चुनावी दौर में अपने बिरादरी को मजबूती और विकसित करने के लिए मुकेश साहनी बोले, मिर्जापुर जिले से 2 बार सांसद रही फूलन देवी को सम्मान का दर्जा दिलाने और मछुआरा मछुआ जाति को आरक्षण दिया जाए। आने वाले चुनाव में प्रदेश की मछुआ बाहुल्य सीटों पर पार्टी मौजूदा सरकार को हराने के लिए चुनाव लड़ेगी। रैली में पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पर अपने दुकान के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करते, बड़े बड़े पार्टी को एक टिकट पे ले लेते, एक एमएलसी बन जाते, एक सांसद बन जाते और समाज को बीच रास्ते में मजदा में छोड़ देते। तो हमारे उनसे विरोध नहीं, उनकी नीति से हमारा विरोध है कि वो समाज के हक अधिकार की बात करता तो समाज के लिए लड़िए। आज जरूरी पड़ा कि 2022 में बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को झुकाता, अपने घुटने के नीचे ला सकता था, उस जगह खुद झुक गए एक एमएलसी पे, तो कहीं ना कहीं समाज के साथ धोखा हो रहा है। और इसके लिए हमें लगता है कि हमें अभी मैदान में उतर के काम करना है। और रहा कि आपने कहा कि हम चुनाव लड़ने के बाद बिहार चले जाएंगे, निश्चित तौर पे हम बिहार के हैं और बिहार में ही राजनीति करेंगे। यहाँ पे तो हम अपने समाज को मदद करने के लिए आए हैं, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए, और हमारा आना जाना लगा ही रहेगा। अभी 1.5 घंटा पहले हम बिहार में थे और अभी यहाँ पे हैं, फिर 1.5 घंटे के बाद बिहार चले जाएंगे। और अभी पहले जैसा नहीं रहा कि नाव से ही हम लोग चलते, अभी उड़न खटोले से भी निषाद का बेटा चलने लगा है। तो पूरे प्रदेश में कहीं पे भी जाना पड़ेगा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, 3 घंटे में पूरे प्रदेश में कोई भी कोना से कोई भी कोना में निषाद का मल्ला का बेटा पहुंच सकता है। तो हम बिहारी नहीं, हम देश के लिए निषाद के लिए काम कर रहे हैं और सब हमें अपना बेटा मान चुका है और उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देवी, आपके आदर्श है आपकी पार्टी का क्या? निश्चित तौर पे हम लोग जब से बचपन में, जब से होश संभाला है, तो फूलन देवी जी के बारे में हमेशा सुनते आया। उन्होंने हमेशा संघर्ष किया, न्याय के नहीं मिला तो उनके लिए लड़ाई लड़ा। और ऐसे हमारे माँ फूलन देवी, जिसको दुनिया माना और कि एक उदाहरण है कि महिला शक्तिकरण का, कि उनके अगर ये दुनिया को बताया कि अगर महिला के साथ अत्याचार करोगे तो महिला चुप नहीं बैठने वाला, ऐसे माता बहन को जिसको मिर्जापुर के धरती पर 2-2 बार सांसद आप लोगों ने बनाया, ऐसे फूलन देवी जी को प्रतिमा उत्तर प्रदेश में नहीं लगने देना, माल्यार्पण नहीं होने देना, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार जो है सबका साथ सबका विश्वास के साथ काम नहीं कर रहा है। मोदी जी की बात को हम नहीं मानते हैं, प्रदेश में सरकार जो है अपनी मर्जी से काम करते हैं, जाति विशेष को टारगेट करते हैं, जाति विशेष को परेशान करते हैं। तो ऐसे सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसे सरकार से लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए अपने स्वाभिमान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको बताऊंगा, 2016 से बड़ा बड़ा लोगों से मैंने टकराया, किनसे नहीं टकराया। जब आप कमजोर होंगे, गरीब होंगे, हर तरह से आप देखते होंगे कि लोग आपको परेशान करता है, उसी तरीके से हमको भी लोग परेशान करता है। तो मेरा मानना है कि ये तो उसका काम है परेशान करना, लेकिन मेरा काम तो है अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। तो इसलिए अभी नहीं आएगा भाई, वो ऐसे फेस कर रहा है, मुझे रहते वो पूरे हेलीकॉप्टर चला जाएगा। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए, वो अभी जाएंगे ना, ऐसे टेस्ट कर रहा है। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मजबूती से संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम करें, ताकि आने वाले समय में 2022 में हम लोग चुनाव लड़े और हमारे जितने भी संगठन के, पार्टी के जितने भी हमारे साथी है, सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि बनारस में 28 तारीख को कार्यक्रम है और बलिया में 25 तारीख को कार्यक्रम है, मजबूती से 28 तारीख बनारस के लिए और बलिया के लिए आप लोग तैयारी करें और वहां पे मजबूती से हम लोग आएंगे और अपनी ताकत का जिस तरीके से दिखा रहे हैं उसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर अपने समाज के लिए ताकत दिखाते रहना है, ताकि आने वाले समय में जिस तरीके से बिहार में निषाद का अपना वजूद कायम हुआ।